हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेडी CPCFS विद एमरा भा। तो अभी का जो टॉपिक है मैं लेकर आया हूँ द हिंदू से, द हिंदू न्यूज़पेपर से मैं लेकर आया हूँ। ये टॉपिक क्या है, इसमें ये बोला गया है कि जो इंडिया यूके है उन्होंने क्या किया है, एक जॉइंट ग्रुप फॉर्म किया है ताकि डिफेंस कॉरपोरेशन को वो आगे बढ़ा सके, राइट। तो इसके बारे में क्या है, वाजीराम का हम मदद लेंगे, वाजीराम से हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, अभी तक हमने बोला कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, राइट, एक जॉइंट ग्रुप बनाएंगे। उस जॉइंट ग्रुप का नाम क्या होगा, जॉइंट वर्किंग ग्रुप, राइट। ये इंडिया और यूके की डिफेंस इंडस्ट्री दोनों साथ मिलके इस ग्रुप को बनाए हैं ताकि वो अपने डिफेंस जो कॉरपोरेशन है उसको बढ़ा सके, कॉरपोरेशन को बढ़ा सके, राइट। अब ये देखो अबाउट में क्या लिखा हुआ है, अबाउट में ये लिखा है कि डिफेंस इंडस्ट्री जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया से और साथ ही साथ यूके से है, उन दोनों ने डिसाइड किया है कि एक नया ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है डिफेंस इंडस्ट्री जॉइंट वर्किंग ग्रुप, राइट। पहले भी हमने पढ़ लिया था कि अच्छी तरह से मतलब एक कंस्ट्रक्टिव कॉरपोरेशन हो डिफेंस सेक्टर में, राइट। ये कब डिसाइड हुआ, ये तब डिसाइड हुआ जब डेफ एक्सपो 2022 ये गांधीनगर में चल रहा था। कब चला, ये अक्टूबर 18, 2022 को चला। तो उसी के जगह पे एज अ साइड लाइन क्या हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि एक जॉइंट ग्रुप हमको बनाना है जिसका नाम JWG है, ये रहा JWG, राइट। ये तो हो गया, इसमें क्या हुआ, जब डेफ एक्सपो जब चल रहा था, राइट, 18 अक्टूबर जो चला, तो उसमें क्या हुआ, 20 UK डिफेंस कंपनी ने उसमें हिस्सा लिया, राइट। ये तो हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। JWG क्या है, ये एक पार्ट है किसका, दोनों कंट्री ने एक अपना डिफेंस को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या किया था, डिफेंस और सिक्योरिटी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया था, तो उसी के इनिशिएटिव का ये पार्ट है JWG, राइट। अब नेक्स्ट में आते हैं, यूके ने क्या किया, यूके ने सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपना ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस वो इंडिया को दिया, कहाँ कहाँ पे, इंडो पैसिफिक रीजन में। ये इसलिए दिया ताकि जो डिलीवरी जो टाइम लगाता है, मतलब डिफेंस प्रोक्योरमेंट का, मतलब डिफेंस वेपन्स, डिफेंस का मतलब है वेपन्स, वेपन्स का जब एक्सचेंज होगा, राइट, तो डिलीवरी जो होगा डिलीवरी में टाइम कम लगेगा ये चीज़ करने से। तो उसने अपना फर्स्ट ओपन जनरल लाइसेंस जो इंडो पैसिफिक रीजन में है वो इंडिया को सबसे पहले अपना दिया, राइट। अब ये देखो, इंडिया सॉरी द यूके इंडस्ट्री इज़ ऑलरेडी इंटीग्रेटिंग। तो क्या है, यूके जो इंडस्ट्री होते हैं ऑलरेडी इंडियन डिफेंस सप्लायर को ग्लोबल सप्लाई चेन में मतलब रखा हुआ है, खुद के ग्लोबल सप्लाई चेन में रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो यूके है, यूके ऑब्वियसली दूसरी कंट्री से भी अपना डिफेंस प्रोक्योरमेंट करेगा, राइट, है कि नहीं। तो उसका ग्लोबल जो चेन है जहाँ से, वो ग्लोबल चेन का मतलब है वो लोग अलग अलग कंट्री से डील करेंगे, तो उसमें अभी क्या क्या है, इंडिया को भी इंक्लूड करके रखा हुआ है, समझ में आया। अब देखते हैं लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, रॉयल एयरफोर्स ने क्या किया था, उसने कंडक्ट किया मैटर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एक्सचेंज। क्या हुआ, रॉयल एयरफोर्स ने DRDO के साथ मिलकर अपना क्या किया, एक सेक्टर होता है जहाँ पे एक्सपर्टीज होता है, तो एक्सपर्टीज़ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया, राइट। एक्सचेंज मतलब इनिशिएटिव किसका था, रॉयल एयरफोर्स का इनिशिएटिव था। ये कब हुआ, जब यूरोफोटर टाइफून और वॉयजर और साथ ही साथ A400 ने दिल्ली में जब विजिट किया, उनके साथ जब जॉइंट फ्लाइंग एक्सरसाइज हुए, तब ये एक्सपर्टीज़ को एक्सचेंज किया गया। अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ UPSC 2022 के प्रीलिम्स है, राइट। इसका क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, योगा वशिष्ठा वॉज ट्रांसलेटेड इंटू पर्शियन बाय निज़ामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, हुमायूं, शाहजहां एंड औरंगजेब, ठीक है। इसका जो आंसर है वो अकबर है, क्यों, क्योंकि निज़ामुद्दीन जो पानीपति थे वो क्या थे, मीरबख्शी थे उस समय, मीरबख्शी का मतलब क्या, हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने क्या किया था, योगा वशिष्ठा जिसका जो सेकेंड नाम है उसका नाम है महा रामायणा, तो इसको उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो करेक्ट आंसर इज अकबर, जो टिक करके रखा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।